ड्यूटी पर भी पड़ा है। पिछले 30 दिन में हालात सुधरने की बजाय और खराब हुए हैं। एविएशन सेक्टर, टूर एंड ट्रैवल, ट्रैवल एजेंट सब परेशान हैं, धंधा मंदा हो चुका है। इनके मुताबिक कमाई तो छोड़ दीजिए आप, घर चलाना मुश्किल हो गया है। नोटबंदी ने पर्यटन और इससे जुड़े दूसरे छोटे बड़े बिजनेस पर कैसा असर डाला है, इसका अंदाजा आपको दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में आकर हो जाएगा। पर्यटकों से भरा रहने वाला पहाड़गंज आजकल खाली सा हो गया। पोलैंड से भारत घूमने आई दो दोस्त जगना और जोएना नोटबंदी से बेहद परेशान। When I want to buy something, do some shopping or visit some interesting places, most people or almost everybody don't want the money I have in my pocket. Sometimes they refuse to take dollars from us and we don't have money, so we cannot visit museums and the attraction here. विदेशी पर्यटकों के लिए मुसीबत और ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि पहाड़गंज में ज्यादातर कैश एक्सचेंज सेंटर कैश ना होने की वजह से बंद पड़े। बुल्गेरिया से अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंची इरीना परेशान है कि करेंसी बैंक के इस दौर में वो तीन हफ्ते भारत में कैसे गुजारे। We just came today at the airport and we had to spend around like 2-3 hours at the airport to exchange some money so we can come here. तिरुवनंतपुरम के बिजनेसमैन अब्दुल जब्बार ने दो दिन पहले हैदराबाद से 2000 रुपए निकाले थे, पर दिल्ली आने तक इनकी जेब में 100 रुपए भी नहीं बचे। कहीं मूवमेंट करना है, ऑटो रिक्शा का पैसा देना है या हमें कुछ अपने पर्सनल चीज के लिए कुछ खरीदना है सामान, तो उसके लिए पैसा है ही नहीं है। दिल्ली में तकरीबन 1500 गेस्ट हाउस और लो बजट होटल है, जिनमें से अकेले 700 होटल पहाड़गंज में है। ज्यादातर विदेशी सैलानी यहीं आते हैं। ट्रैवल एजेंट्स और होटल एसोसिएशन के मुताबिक नोटबंदी के बाद बिजनेस में 70% तक की कमी आ गई है। अभी भी हमारे को ऐसा लगता है कि विदेशी पर्यटक तो लगभग निर्धारित है। विदेशी पर्यटक में हम मंदी देख रहे हैं लगभग 70% की और देशी पर्यटक 50% ऑफ है। टूर एंड ट्रैवल्स और एविएशन सेक्टर से जुड़े लोगों का धंधा भी करीब करीब चौपट हो चुका है। पहाड़गंज में पिछले 20 साल से ट्रैवल एजेंट का काम कर रहे जॉन पॉल के मुताबिक 90% काम बंद हो गया है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कि हम लोग एक दिन में 10 से 12 टिकट बनाते थे फ्लाइट का, लेकिन अब जब से ये नोटबंदी हुई है तब से हम लोग मामूली से एक से लेकर 2 टिकट ही बना पाते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में 25% तक गिरावट आई है। हालात सुधर रहे हैं लेकिन नुकसान ज्यादा हो चुका है। एविएशन एक्सपर्ट सुभाष गोयल के मुताबिक इंडस्ट्री और इकोनॉमी को सुधरने में कम से कम 1.5-2 साल लगेंगे। देखिए, इसको कम से कम 1.5-2 साल लगेंगे रिवाइव होने में। रिवाइव होगा जरूर, ये एक शॉर्ट टर्म पेन है एंड लॉन्ग टर्म गेन होगा। दिल्ली से संवाददाता जावेद मंसूरी के साथ अंजलि सिंह की रिपोर्ट। और जनमन में आगे है 10 रुपए का नोट प्लास्टिक में छपेगा। पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी गिरफ्तार।